बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सिक्स एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर वन ऑफ साइंस स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन गिवन टू यू। सो नाउ दिस इज द होमवर्क ऑफ क्लास सिक्स साइंस। फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। दीज आर द वर्ड्स मीनिंग विच विल यू बी डूइंग in your copies. Firstly, you will have to give the heading of first term and then the chapter number 1, unit number 1, structure of living organism. पहले आप ये दो टाइटल पेज बनाएंगे अपनी कॉपीज में, फर्स्ट टर्म का और यूनिट नंबर 1 का। उसके बाद फर्स्टली आप ये वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड है वेजिटेटिव, दैट मीन्स नबाती जिंदगी से मुतालिक। रिप्रोडक्टिव, तौलीदी तख्लीक का अमल या मिसाल। नंबर 3 सेंट, विच मीन्स खुशबू। स्पाइक, फूलों का गुच्छा, उमूमन लंबे या डंठल में। इनफ्लोरेसेंस, फूल खिलने का पूरा अमल। ट्रंक, इंसान या जानवर का ऊपरी धड़, ऊपरी हिस्सा जो होता है। टेंडन्स, वो रेशा जिसके ज़रिए अज़लात हड्डी के साथ जुड़े होते हैं। स्केलेटन, जिस्मानी ढांचा। हाइड्रोस्टेटिक, आबे करार, माया का सुकूनी हालत में होना। एक्सोस्केलेटन, सख्त बैरूनी खोल या ढांचा। ब्रिटल, आसानी से टूट जाने वाला। रिजिड, सख्त बेलचक। क्यूटिकल, हाथ या पाँव की उंगलियों के निचले हिस्से पर मुर्दार खाल, ठीक है। तो ये सारी वर्ड्स मीनिंग है। आफ्टर मेकिंग योर टाइटल पेजेस आप ये वर्ड्स मीनिंग कॉपी करेंगे, सही है। देन वी हैव दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस है हमारे पास। नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो कि आप अपनी कॉपी पे अपने रजिस्टर पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। द आंसर इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर फ्लावर्स। डिस्क्राइब दस। अच्छा, ये हो गया। बस आपने इसमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने आंसर नंबर 1 में बता दिया, द वेजिटेटिव पार्ट्स आर स्टेम, रूट्स एंड लीव, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट। स्टेम को डिस्क्राइब करना है आपने। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट इज यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट, बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली along the ground. Some stems are long, thin and weak, or they are thick and fleshy. Some stems grow underground and store food. Stems bear leaves, birds, flowers and fruits. They also transport water from the roots to the leaves, prepared food from the leaves to all parts of plant. They also transport water. ठीक है, ये हो गया स्टेम के बारे में। पूरा आपने बता दिया कि स्टेम क्या है भाई। स्टेम जो होता है प्लांट का ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इरेक्ट सीधा होता है, अपराइट ऊपर की तरफ होता है। और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर जब एक्सप्लेन किया गया था तो ये आपको समझाया गया था कि इरेक्ट अपराइट पोजिशन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल पोजिशन क्या होती है। कुछ स्टेम हमारे पास थिन भी होते हैं, वीक भी होते हैं, कुछ थिक मोटे होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड भी ग्रो करते हैं और फूड स्टोर करते हैं। स्टेम्स के ऊपर पत्ते लगते हैं, बर्ड्स और फ्लावर्स लगते हैं, और फ्रूट्स भी स्टेम के ऊपर ही लगता है। इसके अलावा स्टेम का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा जब पत्ते अपना फूड बना लेते हैं तो पत्तों से बना हुआ फूड तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ पर पहुँचाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सही है। द डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आर टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स।
रूट्स की तीन टाइप्स हैं हमने पढ़ी थी, ये जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन हुआ था, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट. सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट ग्रोज, सच रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिशेस आर कॉल्ड टैप रूट. तो क्या ये हमने पढ़ा था कि रेडिश, गाजर में, कैरेट में, ये सब मूली वगैरह में जो रूट्स होती हैं ये टैप रूट की एग्जाम्पल्स हैं. इन सम प्लांट लाइक ग्रास मैनी ब्रांच रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम, सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. अच्छा, कुछ जो होती हैं रूट्स जैसे कि ग्रास में होती हैं इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. कुछ रूट्स जो होती हैं, सम रूट्स आर लाइक द अनियन बल्ब, ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. कुछ रूट्स जो होती हैं वो स्टेम से डायरेक्टली उगना शुरू होती हैं, इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. ठीक है, जैसा कि अनियन बल्ब, प्याज में, लहसुन में ऐसा होता है. अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ का आपने यहाँ पे काम बताना है कि लीफ क्या काम करता है. द लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. लीफ जो है वो खाना बनाता है प्लांट के लिए. लीफ के अंदर ही सारा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है. स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. लीव्स के अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं, स्टोमेटा हम जिन्हें कहते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं. सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स आर स्टोर फूड. यानी कुछ लीव जो होते हैं मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं, वो खाना स्टोर करने का, फूड को जमा करने का काम भी करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. मेल और फीमेल पार्ट्स भी आपने पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों बताने हैं, मेल पार्ट्स कौन से होते हैं फ्लावर के और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं. सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड एन एंड्रोशियम. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को हम एंड्रोशियम कहते हैं, जो मेल पार्ट होता है. इट इज़ फ्रॉम द थर्ड रोल, ये थर्ड रोल बनाता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ स्टेमन, इसके अंदर स्टेमन्स होते हैं. ये सब आपको बताया जा चुका है, ये सिर्फ आप आंसर में अब दोबारा लिखेंगे, ठीक है. ईच स्टेमन हैज अ फ्लामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक, एक पतली डंडी होती है जिसे फ्लामेंट कहते हैं. एक ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एन एंथर विच इज़ अटैच टू द फ्लामेंट. एक ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम एंथर कहते हैं, और ये फ्लामेंट से ऊपर की तरफ अटैच होता है, जुड़ा होता है. And contains four pollen sacs. उसके अंदर four pollen sacs होते हैं. The male sex cells are pollen grains. जो male sex cells होते हैं वो pollen grains होते हैं. Which are produced inside the pollen sacs. और ये pollen grains कहाँ बनते हैं? इन्हीं pollen sacs के अंदर बनते हैं, ठीक है. Now the female reproductive part क्या होता है? Female reproductive part जो होता है flower का, हमने पढ़ा था, हम उसे gynecium कहते हैं. It is composed of carpels. Carpels पे मुश्तमिल होता है ये. ईच कार्पल इज कम्पोज ऑफ एन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. और हर कार्पल के तीन हिस्से होते हैं. सबसे ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा, डंडी नुमा हिस्सा स्टाइल, और नीचे बॉल वाला हिस्सा ओवरी कहलाता है. ओवरी विच इज द स्वेलन बेसल पार्ट. ओवरी जो होता है सबसे निचला फूला हुआ हिस्सा होता है. कंटेन द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स. और इसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स ओव्यूल्स मौजूद होते हैं. द स्टाइल इज अ थिन स्टॉक. स्टाइल पतली डंडी होती है. एंड द स्टिग्मा विच इज द फ्लैट टिप ऑफ द कार्पल. स्टिग्मा जो होता है वो फ्लैट चपटा होता है, और टिप ऑफ द कार्पल, कार्पल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है. इट इज स्टिकी एंड रिसीव द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन. क्या काम होता है स्टिग्मा का? ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जब पोलिनेशन का अमल होता है, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट व्हाट इज स्केलेटन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स फाउंड इन एनिमल्स. ये भी आपको बताया गया था कि स्केलेटन कितने होते हैं. स्केलेटन तीन तरह के होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. हाइड्रोस्टेटिक आपको बताया गया था कि ये जैसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, कैटरपिलर, अर्थवर्म, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उनके अंदर कोई खास स्केलेटन नहीं होता. वो अपने बॉडी को एक लिक्विड से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से इनकी बॉडी के इस स्केलेटन को हम हाइड्रोस्टेटिक कहते हैं. एक्सो मीन्स आपको बताया गया था आउट. एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड.
स्केलेटन ऐसा होता है कि आउटसाइड होता है, जो कि ज़्यादातर इनवर्टीब्रेट्स में पाया जाता है। हार्ड कवरिंग होती है जो कि उनकी स्किन के बाहर की तरफ होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, जिसे हम चिटिन कहते हैं, ठीक है। तो जिनका स्केलेटन बाहर होता है, हम उन्हें एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसी तरह एंडोस्केलेटन इनसाइड होता है, एंडो मीन्स, तो जिन एनिमल्स के, जिन लिविंग थिंग्स के स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है, उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। सिंपली ये हार्ड बोन्स का बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम की बनती हैं बोन्स, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, एंड इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव इट शेप। बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको शेप देता है, उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। एंड इन दिस पार्ट राइट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, सेंसरी ऑर्गन, स्केलेटन। इसमें सब में आपने क्या क्या करना है, सबके दो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखने के। रूट क्या काम करती है, सबसे पहले रूट प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती है और पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। स्टेम क्या काम करता है, स्टेम्स में जो है वो बेयर करता है वो लीव्स को, फ्लावर्स और बर्ड्स को, इसके अलावा पानी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। लीव क्या करता है, फूड मैन्युफैक्चर करता है, खाना बनाता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और कुछ जो लीव्स हैं वो फूड भी स्टोर करते हैं। फ्लावर का क्या फंक्शन है, अ फ्लावर हेल्प्स टू मेक फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर में फल बनता है और बीज बनते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स एनिमल्स को अपने अराउंड चेंजेस जो हो रही होती हैं उन्हें डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। और स्केलेटन क्या करता है, स्केलेटन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, इसके साथ साथ मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके बुक में आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, लेबल द पार्ट्स ऑफ द लीफ। यहाँ पे आपको लीफ दिया हुआ है एक, आपकी बुक में ये ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से देखकर आप इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। जो जो पार्ट्स इन्होंने मेंशन करे हैं उन पार्ट्स के नेम देखेंगे और यहाँ बुक पर ही ये काम करना है। इसी तरीके से ये फ्लावर बनाया हुआ है, इस फ्लावर को भी लेबल करेंगे। यहाँ पे आपको जॉइंट्स दिखाए गए हैं, इन जॉइंट्स के नेम आप मेंशन करेंगे, सही है। ये 3 डायग्राम से ये काम आपका बुक पे हो जाएगा। सेम एज इसी तरह ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या करना है, मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स डिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसको आपने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, हेड का क्या डिस्क्रिप्शन है, ट्रंक का क्या डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ते जाएं और इसको मैच करते जाएं, ठीक है। आई होप आपको काम समझ में आया होगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर यूनिट नंबर 1 क्लास 6। आप लोग आराम से अपने घर में बैठ के इस काम को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।